को कर नमन करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। ये चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक दृष्टि में आता है। प्रति समय बहते पर्याय के प्रवाह में, उत्पाद व्यय में, जन्म मरण में, नित्य ध्रुव चैतन्य तत्व ही दृष्टि में आता। और एक समय के लिए ऐसी सुदृष्टि प्रकट हुई, सम्यक दृष्टि प्रकट हुई कि धारा वह तत्व विचार चैतन्य के आश्रय से, चैतन्य के जोर से परज्ञेयों को वह जानता है, परंतु स्वयं की श्रद्धा उस दृष्टि में परद्रव्य एवं प्रभावों से न्यारा मैं चैतन्य तत्व हूँ, यही बना रहता है। राग की दीवार के पड़ोस में रहता हूं, इस देह में रहता हूं, मगर देह में रहने मात्र से मैं देह का स्वामी नहीं हो जाता। यह जागृति प्रति समय रहती है, क्योंकि देह में रहने के कारण ही यदि देह का स्वामी हो जाता तो मैं अभी उमराला में रहता हूं, उमराला का स्वामी हो जाना चाहिए। मैं गुजरात में रहता हूं, गुजरात का स्वामी मैं हो गया। मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत का स्वामी हो गया। मैं इस विश्व में रहता हूं, मैं विश्व का स्वामी हो गया। रहने मात्र से यदि स्वामी हो जाता तो सारे जगत का स्वामी मैं हो गया होता, मगर जैसे सारे विश्व में मैं रहता हूं मगर सारे विश्व का मैं स्वामी नहीं, ऐसे ही इस देह में रहता हूं मगर देह का मैं स्वामी नहीं। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है, जो ज्ञानी को सदाकाल बनी रहती है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित न होंगे, ये ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होंगे, परंतु अंतर की ये जो धारा, अंतर की जो मस्ती, उस मस्ती तक ये कोई भी ज्ञेय पहुंच नहीं पाते, उस मस्ती को प्रभावित नहीं कर पाते कि मस्ती अंतर में है और ये सब ज्ञेय बाहर ही रह जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। और इस कारण से परज्ञेयों से अप्रभावित यह ज्ञानी देह होने पर देहातीत है। बच्चा पैदा होता है, जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआत सांस ली उसने, आरंभ हुआ हवा अंदर गई, जीवन का अंत हुआ, अंत में हवा को बाहर छोड़ा है। मृत्यु के काल में हवा को बाहर छोड़ा है। सांस का शरीर में जाना ये जन्म और सांस का शरीर से बाहर निकल जाना यह मृत्यु। और ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है, जब सांस अंदर गई कि यह जन्म, सांस बाहर निकली कि यह मृत्यु। ज्ञानी को प्रतिक्षण यह जागृति है, यहाँ पर ही जन्म और मरण हो रहा है, रोज हो रहा है। रोज सांसें अंदर जाती है और बाहर निकलती है, और सांसों के अंदर जाने में और बाहर निकलने में यह जागृति के चैतन्य सत्ता तो जैसी है ऐसी ही है। उस सत्ता के साथ ही उसका तादात्म्य, उसका अपनत्व, एकत्व, और वह मस्ती, और उस मस्ती का नाम ही सम्यक्त्व है। क्रिया तो चलती रहती है, ये शरीर में हवा तो जाती बाहर आती, उसमें कोई फेर बदल नहीं करता, कोई फेर बदल नहीं करता। हवा अंदर आई और हवा बाहर गई, कभी तेज हवा आ गई, कभी मंद हवा आई। मंद हो या वह तेज, ऐसा हवा का झोंका आ जाए। खिड़की खुली है, खिड़की से हवा आई, खिड़की से बाहर गई, मगर जागृति। मैं यहाँ जो इस कमरे में ठहरा हूं, ये कमरे का मालिक मैं नहीं, तो कमरे में ये आने वाली हवा और कमरे से जाने वाली हवा से मेरा क्या नाता रिश्ता। ज्ञानी को यह जागृति है कि ये देह जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो देह में अंदर जाने वाली ये हवा जो नाक से अंदर गई, मुंह से बाहर निकली, नाक से अंदर गई, नाक से बाहर निकली, मुंह से अंदर गई, मुंह से बाहर निकली, मुंह से अंदर गई, नाक से बाहर निकली। ये कहाँ से अंदर गई कहाँ से बाहर निकली महत्वपूर्ण नहीं, हवा के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि इस राग की दीवार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। रहता है देह में, मगर वह देहातीत है, वह चलता है यहाँ। तुम जिस भूमि पर चलते हो उस भूमि पर ही वह चलता है, मगर वो चलता नहीं है, वो स्थित है। उसके कदम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उसके कदम ही नहीं, क्योंकि वहां तो ध्रुव चैतन्य सत्ता, जहां कोई कदम नहीं। कदम तो राग की दीवार के, और वो वहां नहीं। ऐसी जो दशा वह तुम्हारी दशा होगी, वह तुम्हारी अपूर्व दशा होगी। बस हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस राग की दीवार के परमाणुओं से ऐसी दूरी कि यह परिचय देने वाली भी राग की दीवार। राग की दीवार मैं नहीं हूं, यह बताने का विकल्प उठा, मगर फिर भी हाथ तो फैलाना पड़ा इस राग की दीवार के पास कि बोल तू नहीं। इस राग की दीवार के पास मैंने कोई भिख नहीं मांगी बोलने के लिए। आत्मा में विकल्प हुआ, आत्मा में विकल्प हुआ, और इस राग की दीवार से मैंने कोई भीख नहीं मांगी कि तू बोल। आत्मा को विकल्प हुआ और शरीर के सामने आत्मा ने हाथ फैलाया कि तू बोल, कि ये राग की दीवार मैं नहीं। ऐसा नहीं, कुछ अपूर्व घटित होता है अनुभूति होने पर। आत्मा की अनुभूति होने पर इस राग की दीवार से वो भीख नहीं मांगता। विकल्प की उत्पत्ति होती है, विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर, असंख्य प्रदेश पर, जहां असंख्य प्रदेश पर ज्ञान है, असंख्य प्रदेश पर विकल्प है। विकल्प का फैलना भी असंख्य प्रदेशों पर। और असंख्य प्रदेश पर विकल्प का फैलना, और उस समय जिस समय यह विकल्प उठा कि यह देह मैं नहीं, उस समय आत्मा के ही प्रदेश जो यहाँ पर होठ के भाग पर, जीव के भाग पर, उसी एक क्षेत्र पर आत्मा के भी प्रदेश है। विकल्प उत्पन्न हुआ, आत्मा के ही प्रदेशों में कंपन हुआ, आत्मा ही कंपायमान हुआ, और आत्मा में ही ऐसा कंपन हुआ, आत्मा में कंपन हुआ। बस यहां तक ही आत्मा की सीमा है, इसके आगे कुछ भी नहीं। देह से भीख नहीं मांगता, मगर जब आत्मा में कंपन हुआ कि मैं चैतन्य तत्व और मैं राग की दीवार नहीं। संजोग की बात है कि होठ के परमाणु भी यहां पर है कि आत्मा में कंपन हुआ कि होठ भी हिल गया और यहां से आवाज निकली कि मैं शरीर नहीं। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस देह के परमाणु से हाथ नहीं फैलाता कि तुम बोलो मेरे लिए, नहीं, वाणी निकलती है। एक क्षेत्रावगा ऐसा संबंध कि यहां संख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, इतनी स्वतंत्रता स्वरूप अनुभव में आने पर तुम्हें दृष्टि में आती है। स्वरूप समझ में आने पर, स्वरूप समझ में आने पर ये दृष्टि में आती है। देह के परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के कंपन के साथ में कोई संबंध नहीं हो जाता, कोई संबंध नहीं हो जाता, एकत्वपना ममत्वपना नहीं हो जाता। देह देह का कार्य करता है, देह देह का कार्य करे, देह देह का कार्य करे। आत्मा के प्रदेश, ये प्रदेश और ये देह के परमाणु की, ये देह के परमाणुओं की ये क्रिया और ध्वनि का खीरना छूटना कोई संबंध नहीं। और थोड़ा गहराई में जाओ कि जब ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, उस विकल्प के कारण ये आत्मा के प्रदेशों में ये कंपन हुआ। अब उसकी भी ऐसी स्वतंत्रता समझो कि तुम जानोगे कि देह तो बहुत दूर रहा, विकल्प हुआ कि ये मैं बोलूं कि मैं भगवान आत्मा हूं, और इसलिए आत्मा के प्रदेशों की ऐसी मूवमेंट कि आत्मा के प्रदेशों में ऐसा कंपन और आत्मा के प्रदेशों में ऐसा कंपन हुआ। वो विकल्प हुआ कि आत्मा के प्रदेशों में कंपन हुआ। विकल्प के कारण ही यदि कंपन होता तो केवली भगवान को कंपन नहीं होना चाहिए, तीर्थंकर भगवान को कंपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां विकल्प तो नहीं, मगर आत्मा के प्रदेशों में कंपन तो है। केवली समुद्घात होता है, पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, लोक प्रमाण आत्मा होता है। केवली समुद्घात के काल में वहां कोई विकल्प नहीं, विकल्प का स्वरूप न्यारा, आत्मा के प्रदेशों के कंपन का स्वरूप न्यारा, प्रदेशों के फैलने का स्वरूप न्यारा, और आत्मा के विकल्प और आत्मा के प्रदेशों का कंपन, उन दोनों के बीच में संबंध नहीं। विकल्प और प्रदेशों के कंपन के बीच में कोई संबंध नहीं। विकल्प तो हो मगर आत्मा के प्रदेशों में ऐसी मूवमेंट ना हो, ऐसा वाइब्रेशन ना हो, दोनों के साथ कोई संबंध नहीं। जिसे पक्षघात हो गया, लकवा हो गया, उसे विकल्प तो हो रहा है कि हाथ को हिलाओ, इच्छा भी हो रही आत्मा को, आत्मा लालायत हो रहा है कि पानी का गिलास, मगर आत्मा के प्रदेशों की गति ही नहीं होती। विकल्प हो रहा है, विकल्प के कारण आत्मा के प्रदेशों में कोई मूवमेंट नहीं होती, नहीं तो अभी विकल्प है कि मैं सिद्धशिला पर विराजमान हूं, मगर आत्मा यहाँ पर है। विकल्प के कारण होता तो फिर लोकाग्र पर विराजमान होना चाहिए। विकल्प न्यारा है। प्रदेशों की ये जो गति कंपन ये न्यारा है और देह की क्रिया तो और न्यारी है, पर द्रव्य की क्रिया है। और ज्ञानी को ये प्रति समय ये जागृति रहती है, देह की क्रिया के काल में ये जागृति रहती है कि मैं वहां कहीं नहीं। विकल्प के कारण कंपन नहीं, क्रिया देह की विकल्प के कारण नहीं। विकल्प हो ही ना फिर भी देह की क्रिया हो। जैसे चलते समय दो हाथ हिलते हैं, हाथ से हम चलते नहीं, पैर से हम चलते हैं, मगर फिर भी हाथ को ऐसे हिलाते रहते हैं। विकल्प से नहीं, वो हिलते ही है। जैसे पैर आगे बढ़ा कि हाथ भी आगे, हाथ का ये हाथों से चलना होता नहीं, फिर ये हाथ क्यों हिलते हैं? कोई विकल्प भी नहीं कि हाथ को हिलाओ। पैर को हिलाने का तो विकल्प है, मगर हाथ को हिलाने का विकल्प नहीं। देह की क्रिया हो और विकल्प न हो सकता है। लकवा जिसे है विकल्प है, मगर देह की क्रिया नहीं। और इससे ही द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वरूप समझ में आए कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है। और इसलिए इस राग की दीवार के योग में, संयोग में, पड़ोस में रहता हुआ ज्ञानी इस दीवार से पार है। प्रदेशों से ऐसा दिखाई देता है वो यहीं पर ही है, वो यहीं पर ही है, मगर तुम उसे जहाँ देखते हो वो वहाँ नहीं। वह भी यही कहता है मैं यही, तुम भी यही देखते हो कि वह यही है, यही है, यही है, यही है, मगर तुम जो देखते हो देह के पार देखते नहीं, देह में ही है, उमराला में ही है, प्रवचन हॉल में है, भारत में ही है, तुम यही देखते हो। और ज्ञानी ये देखता है चैतन्य सत्ता के बाहर कहीं नहीं हूं, सत्ता में स्थित हूं, अपनी सत्ता में स्थित हूं, यही मैं। सत्ता पर जोर, ये दशा तो मैं प्रकट हूं, आज नहीं तो कल, अनंत काल के बाद भी, तो मैं आना तो यहां पर ही होगा। अब ध्यान रहे, फिर दोबारा गलती मत करना, आना तो यहां पर होगा, माने उमराला में नहीं, आना तो यहां पर होगा। फिर वो स्वरूप की ही बात, आना तो यहाँ पर ही होगा। और जगत में कहीं पर भी परिवर्तन करने का कोई भाव नहीं। और इतनी जागृति, इस राह की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य तत्व, इन परमाणुओं में, परमाणुओं के बंधन में अरूपी चैतन्य मात्र ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, लक्षण से भेद ऐसा दिखाई दिया कि परमाणु में अब तुम लाख कोशिश करो उन्हें तुम मना नहीं सकते कि मानो ये शरीर मैं हूं। इसे अज्ञानी को मनाया नहीं जा सकता कि तुम मानो कि मैं परमात्मा हूं। ज्ञानी को मनाया नहीं जा सकता कि तुम मानो कि मैं शरीर हूं। ये श्रद्धा, हे ज्ञान दीपक, प्रति समय जागृति बनी रहे, सांसें अंदर जाए बाहर आए, सांसों का ध्यान नहीं करना। उस ज्ञेय के जानने के काल में जब भी उन ज्ञेयों को जाने, परज्ञेयों को जाने, अंतर में यही बस जागृति कि मेरी सत्ता न्यारी है, बस। वहां तुम्हें स्वन्मुखी होना होगा। वहां एक समय के लिए भी यदि ये विचार बीच में आया कि यात्रा तुम्हारी रुक जाएगी, कि दूसरे का क्या होगा, क्योंकि जैसे ही तुमने ये माना कि मैं चैतन्य तत्व, ये मान्यता का लक्षण है कि तब से ही तुम्हारी तैयारी हो गई मुनि होने की। ऐसा मत समझना कि आत्मज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, माने सब काम हो गया। तब से तो मार्ग की शुरुआत हुई है, तब से तुम मुनि पद की यात्रा, मुनि अवस्था की यात्रा के लिए कदम आगे बढ़ाते हो, प्रति समय तुम मुक्ति की यात्रा करते हो। और तब बीच में वो स्थिति आएगी कि जिनके भी अड़ोस पड़ोस में तुम रहते हो, उनके अहंकार को, उनके इंद्रियों के विषयों को, उनकी वासनाओं को झटका लगेगा। इसलिए जब भी कोई बच्चा धार्मिक हो जाए, परिवार को झटका लगता है ऐसा कि अरे ये थोड़ा ज्यादा धार्मिक हो गया, क्योंकि आकांक्षा अधूरी रह जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख को चाहता है, उसे कोई प्रयोजन नहीं कि तुम्हारा क्या होगा, सब अपना सुख चाहते हैं। और उसे द्वेष मत करना, उस स्वरूप को समझना, स्वरूप को समझकर बोध से भर जाना और वैराग्य घनीभूत हो। ये देख करके मन ही मन तुम हंसोगे, मैंने सुना था, सच तो यही, देखो मैं नजर के सामने देख रहा हूं, तुम दुखी न होगे। इस संसार के स्वरूप पर तुम्हें हंसी आएगी। ये कैसा संसार, ये कितने झूठे वादे, रिश्ते, नाते, ये सब कितना झूठ से ही भरा हुआ। और दुख नहीं, आनंद। धन्य भागी हुआ मैंने स्वरूप को जान लिया, जिसके लिए मैं यहां आया था, जिसके लिए यहां मेरा आना हुआ था। मैं यहां का नहीं हूं, मैं यहां का नहीं, गलत जगह पर हूं, मैं यहां के लिए नहीं। रास्ता भटक गया कि यहां आ गया, ये यहां के लिए नहीं। रास्ता मिल गया, अब यात्रा होगी। प्रति समय ये जागृति बनी रहे, सांसें अंदर जाए, सांसें बाहर आए, यह जागृति प्रति समय बनी। जिस शरीर में जन्म होता है, जन्म से अज्ञानी को यह भ्रम होता, अब यही मैं नारकी हो या फिर निगोदिया हो। निगोदिया को मन नहीं है मगर श्रद्धा है, श्रद्धा गुण का परिणमन है, और श्रद्धा गुण का परिणमन है मिथ्यात्व रूप परिणमन है। उसके लिए मन की जरूरत नहीं होती। जो दे यही मैं, यही मैं, यही मैं, ये मान्यता। और एक कमरे में रहना, एक कमरे में दो व्यक्ति को रखा जाए तो थोड़ा झटका लगता है, प्राइवेसी नहीं रहती। एक कमरा और दो लोग, उसमें भी चार हो जाए, एक कमरे में छह हो जाए, ये क्या? जहां शरीर होता है एक और आत्मा होते हैं अनंत, वो निगोद की अवस्था। शरीर एक ही है और एक शरीर का स्वामित्व, मालिकी पना ऐसा स्थापित करते हैं अनंत जीव कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। एक शरीर में अनंत जीव और सबकी ये मान्यता ये मैं हूं, और सबकी ये मान्यता मैं जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ, मेरी मृत्यु हुई। वो तड़प, और जब जन्म हुआ तब विचार ही नहीं आता, वो विचार के लिए, उस प्रकार के विचार के लिए, तत्व विचार के लिए आज का दिन है। अब वो विचारधारा तुम में प्रारंभ हो। अब किनारा और नजदीक आया है। अब तो नाव की गति अत्यंत मंद हो गई। अब रुकी, अपना अपना सामान उठा लो। नाव तो अब रुकी, अब उतरने का समय आया। पूरी जागृति और होश से परे उस ज्ञानी की स्थिति है। प्रति समय ये जागृति बनी रहे। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। इस प्रकार का तत्व विचार हो कि ये जो जीवन है, यही मेरा जीवन नहीं है। जिन परमाणुओं को अभी मैं दूर देखता हूं, और रोटी के परमाणु को मैंने हाथ में लिया, मुंह में डाला, और जैसे ही वो रोटी पेट में गई कि मैंने मान लिया कि अब ये शरीर का अंग हो गया। वजन करोगे, वजन जो आएगा उसमें यही कहोगे कि ये मैं। तो बस उन परमाणुओं में ये मैं, ये मेरा अस्तित्व। थोड़ी देर पहले मानते नहीं थे कि ये मैं, ये पल पल पलटती मान्यता। अब ये रोटी मैं, अब ये शरीर मैं, वो रोटी उस शरीर में है, अब ये मैं। और जैसे ही वो परमाणु दूर हुए, वो मैं नहीं, अब मेरा कोई संबंध नहीं। ये पल पल जो ऐसे, ये बार बार ये तत्व विचार हो तो उस तत्व विचार के बल पर तुम्हें बोध घनीभूत होगा कि देह के परमाणु की सत्ता मेरी सत्ता नहीं, और इन देह के परमाणुओं का बिखरना एक दिन होगा, और उन बिखरने में मेरा बिखरना कहीं पर भी नहीं होगा। मेरा, और जब ये मैं कहूँ कि मेरा बिखरना कहीं पर भी नहीं होगा, तब असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, जिन प्रदेशों के टुकड़े नहीं होते हैं, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, वो स्वरूप जो ज्ञान का ही फैलना, ज्ञान का ही विस्तार, और ज्ञान का विस्तार जितने में फैला यही मैं, उतने में ही मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये तत्व विचार तुम्हारे अंतर में वो श्रद्धा को रूपांतरित करता है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर। सम्यक दर्शन ऐसे ही तो प्रकट होता है, भेद विज्ञान से ही अपूर्व आत्मज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा ही मगर किस प्रकार से तत्व विचार होता है, उस तत्व विचार के लिए तुम्हें आज मैं तुम्हारा 141वां बोधामृत परोसता हूं। मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना, मरवाना लक्ष्य जीवजे अने जीववाना लक्ष्य मरजे। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन होते ही ये श्रद्धा हुई कि मैं आत्मा हूं, सप्त भयों से मुक्त हुए। उन सप्त भयों में ये मरण का भय भी होता है, 7 भय में एक मरण भय है। सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं है। मरण का भय न होना ये अलग बात है, और मरण का स्वीकार ही न करना ये दूसरी बात है, और दोनों का भेद समझो। तुम चाल चलते हो, जब भी अपनी कमजोरी, तुम्हें कोई बताए, कहे कि इतना परिग्रह तुमने इकट्ठा किया है, इतना परिग्रह, नरक में जाओगे। परिग्रह को नरकायु के बंध का कारण कहाँ है? तत्वार्थ सूत्र में, और किसी को नहीं। परिग्रह पर ज्यादा जोर दिया, क्यों? परिग्रह में सब पाप समाहित है। परिग्रह इकट्ठा करने के लिए। अब तुम्हें किसी ने ये कहा कि ये सब परिग्रह इकट्ठा किया है, तुम नरक में जाओगे। तुरंत ही तुमने, आत्मा तो जन्म लेता ही नहीं, आत्मा तो मरता ही नहीं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी को तुमने उल्टे रूप में लेकर के जहर बनाया। अपने अंदर तुम्हें उस वाणी को उस प्रकार से तुमने घटित किया। भगवान की वाणी को ऐसे घटित नहीं करना था। ज्ञानियों ने, जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई है, उन्होंने मृत्यु को सबसे पहले लिया, धर्म को नहीं, मृत्यु को। और इसलिए तो 12 भावना में धर्म भावना 12वें क्रम पर, और मृत्यु का बोध जिससे हो अनित्य भावना पहले क्रम पर। और ये अनित्य भावना मूर्ख ने नहीं लिखी, आत्मज्ञानियों ने लिखी है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु तो है, मृत्यु तो है, मगर वो तो देह की मृत्यु है। मगर तुम देह मानते हो अपने को, इसलिए यह बोध कराया कि तुम्हारी मृत्यु नहीं, मृत्यु देह की। मृत्यु तो आएगी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वाद, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। मृत्यु तो आएगी, मरना सबको एक दिन। ये बोधामृत की जो रचना हुई उस समय, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। एक दिन माने एक ही दिन नहीं। सुर असुर खगाधिक जेते, मृगजो हरिकाल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे कोई। कोई नहीं बचा पाएगा मरने से। ये किसने लिखा? ये ज्ञानियों ने लिखा, अज्ञानी ने नहीं लिखा। इसलिए बोधामृत मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना, भाव बहुत गहरा है। तुम समझोगे, समझोगे। इन शब्दों के पीछे जो भाव है उन भाव को समझो। लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ यह नहीं कि ये मुझे करना है, लक्ष्य का मतलब आगे आने वाला है। अभी जो मैं यात्रा कर रहा हूं, मेरी यात्रा में आगे ये है वो लक्ष्य। पाना चाहूं तो भी आए, न पाना चाहूं तो भी आए, मृत्यु तो आएगी। मृत्यु से न बच सकोगे, मृत्यु तो अवश्य आएगी। वही है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वह तो आएगी। मगर तुम्हें किसने कहा कि तुम मरोगे? मृत्यु तो आएगी, मगर मैं न मरूंगा। वो मैं का भाव अंतर में, वो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा। और मृत्यु आएगी अर्थात देह और आत्मा का जो एक क्षेत्रावगा अभी ये संबंध वो छूट जाएगा, वह तो घटित होगा। इसलिए मृत्यु का स्वीकार तो करना, मरने के लक्ष्य से जीना, मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। पूरे जीवन पर ऐसे जिया। यदि तुम्हें कहा जाए कि कल सुबह तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और फिर अभी हलवा दिया जाए, तो हलवे में से रस ना आएगा कि कल फांसी होगी, कल मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। मृत्यु की याद तुम्हें आए। कैसे हाल होते हैं तुम देखो, और पक्का पता चल जाए कि मृत्यु आएगी ही आएगी, तब तो क्या? जब तुमको किसी ज्ञानी ने कहा कि आज 3 तारीख है, 11वां महीना और 2018 की ये साल, वो ज्ञानी ने कहा कि पक्का कहता हूं मेरे पास ज्ञान है और मैंने अपने ज्ञान में जाना है। तीन 11 2028 के दिन, बिल्कुल 10 साल के बाद इसी समय पर तुम्हारी मृत्यु होगी, पक्का होगी। 10 साल बाकी है, 10 साल, मगर 10 साल बाकी है, मगर तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। अरे 10 साल और तो पक्का, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल बहुत होते हैं। वैसे अगले समय का भरोसा नहीं था कि अगले समय में यहां रहूंगा कि नहीं रहूंगा, दोनों बातों को याद रखो कि अगले समय का भरोसा नहीं था, मगर इतना डर नहीं था। और 10 साल कितना लंबा टाइम, फिर भी डरता है। इतना लंबा टाइम पक्का तुम यहां रहोगे ही रहोगे, फिर डरते क्यों हो? पहले तो तुम्हें पता भी नहीं था कि अगले समय मर जाओगे, मगर कोई डर नहीं था, डर नहीं था अर्थात उसे यह श्रद्धा ही नहीं थी कि मरूंगा मरूंगा। ये बात श्रद्धा में आते ही डर जाता है कि मैं मर जाऊंगा। मृत्यु को याद करना ही नहीं चाहता, मृत्यु को देखना ही नहीं चाहता। इसलिए तो हमने शमशान को गांव से बाहर बनाया, मौत को देखना ही न पड़े। बाजार में कोई वस्तु खरीदने निकले तो मौत को देखना न पड़े। मुझे घटना अविस्मरण में आई। एक आदमी सुबह सुबह घर से बाहर निकलकर व्यायाम कर रहा है, जाने अखाड़ा में कसरत करतो। सूरज की सुबह सुबह धूप ले रहा है, तभी सूरज उगा है पूरब से, पूरब दिशा की ओर उसका मुख है, पश्चिम में पीछे ही रास्ता है, रास्ते के किनारे पर ही सूरज के सामने देख रहा है। तभी किसी आदमी की अर्थी निकली, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरे मरने के बाद चार लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे, राम नाम सत्य है। मगर तुम न होगे उस समय वहां, और वे जो कहते हैं वे दूसरों के लिए कहते हैं, जो गया उसके लिए राम नाम सत्य, खुद के लिए कोई नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, दूसरों के लिए कहा जा रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। खुद के लिए कह दे, पार हो गया। तभी एक आदमी आया, नजर के सामने, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, पीछे से आवाज तो सुनाई दे रही है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये व्यायाम करने वाला आदमी वो सामने वाले आदमी को पूछता है, किसकी अर्थी निकली है बता देना बाद में। अर्थी निकली है, मगर इतना ही पीठ मोड़ करके देखना है, पीठ ही मोड़ना है, मगर सूरज की धूप ले रहा है, अभी नहीं, वरना ये धूप का आनंद कौन लेगा? पीठ मोड़ करके मौत को एक बार देख ले, ये बोधामृत तुम्हारे लिए। तुम एक बार पीठ को मोड़ो और मृत्यु को देखो, मगर डरता है कि मौत को एक बार देखे तो फिर यहां का रस मिट जाता है, वासना मिट जाती है, भोगासक्ति मिटती है, लिप्त नहीं हुआ जाता अब यहां कहीं पर भी। जैसे ही वस्तु ठीक है, जाने दो, जवा दो, ले जा, बांधो नहीं। मृत्यु का विचार आते ही फिर ऐसा जीवन प्रारंभ हो जाता है, ठगता है, दुनिया उसको ठगती है। ये तो बिल्कुल कुछ गतागम नहीं, हमारे जैसा नहीं, दुनिया कहेगी, मगर वो मस्त है। मृत्यु का बोध, बस बस बस, मृत्यु का बोध हो, पीठ मोड़ करके देखा है जिसने मृत्यु को। मरने के लक्ष्य से जीना, और जीने के लक्ष्य से मरना, जीने के लक्ष्य से मरना। पूरे जीवन पर इस बात को थोड़ी समझे। जैसे तुम्हारा आयुष्य 100 बरस का है, अभी 40 बरस हुए, 60 बरस बाकी। ये सुना कि मरने के लक्ष्य से जीना, माने मौत आगे है, 60 साल के बाद मौत है, 50 साल के बाद मौत है, 40 साल के बाद मौत है, 30 साल, 20 साल, 10 साल, और ये मौत है। अब मौत है, मौत है, मौत है, पकड़ छूटती जाए। मौत को याद करते हुए ये जीवन जिए, और जब मृत्यु आए तब मैं मरा ऐसा नहीं, अनंत काल तक मेरा जीवन है, ऐसे इस देह में से बाहर निकले। मैं तो मरता ही नहीं। मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना, इसका भाव यह है। ये बोधामृत इस शब्द को ऐसे ही सुनो तो समझ में नहीं आएगा भाव, मगर उसका और थोड़ा स्पष्ट करें। ये जो अभी भी जीवन है और बाद में भी जीवन है, एक भगवान आत्मा। अभी मैं अलाइव हूं मगर डेथ आएगी। अभी अलाइव हूं, डेथ आएगी। अभी अलाइव हूं, डेथ आएगी। मगर डेथ आएगी, मगर डेथ के बाद अलाइव हूं। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अभी मैं अलाइव हूं, डेथ आएगी, मगर डेथ के बाद अलाइव हूं। अलाइव वन, एबीसीडी में अलाइव में ए, डेथ का डी और अलाइव का ए, 1 4 1। ये बोधामृत जब लिखा गया, अभी अलाइव हूं, डेथ आएगी, हमेशा याद रखना। मगर डेथ आए तब मैं तो अलाइव हूं, 1 4 1। ये बोधामृत जब लिखा गया था तब ये भाव आया था, क्योंकि किनारा आया था, मैंने मृत्यु को देखा था। इसके लिए मैं जानता हूं, मेरी मृत्यु का काल मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मगर तुम्हारे सामने घोषणा करके तुम्हें और तड़पाऊं क्यों? जानता हूं मैं। तुम पहले से ही इतने तड़प रहे हो, दुखी हो, तुम पहले ही इतने तड़प रहे हो, तुम्हें और क्या तड़पाना? तुम्हें तो सिर्फ इतना कहो, तुम भी बस मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। यहां तुम ऐसे जीना, मौत को सामने रखा। मौत में कोई भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। पैदल चलने वाले, हाथी घोड़े पर, फूलों के रास्ते पर तुम चलो तो भी तुम वहीं पहुंच जाते हो, उसी दरवाजे पर। और कांटे के रास्ते पर चलो तो भी दरवाजा तो वही आता है, मृत्यु का। किसी भी रास्ते से जाओ, उसी दरवाजे पर पहुंचते हो। मगर तुम चेतते नहीं। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। बस ये काल न बताने का कारण यही है। यदि ये कह दिया जाए कि 10 साल के बाद में मृत्यु है, तुम अभी से ही डर जाओगे। वैसे अगले समय का भरोसा नहीं, इसलिए मैं कहता नहीं कि मैं कब जाऊंगा इस पृथ्वी से। जैसे ही तारीख बता दूं, महीना बता दूं, वर्ष बता दूं, कि तुम तड़पने लगोगे। नहीं पता है, उसमें शांति लगती। समय अल्प है, इतना ही समझ। मगर इससे भी भयभीत न होना, चेतना। अवकाश अभी तुम्हारे पास में है, अवसर अभी नजर के सामने है, बस अभी सदुपयोग करो। अब तुम एक बार पीठ मोड़ करके मौत को देखो और फिर नजर इधर करो कि तुम पाओगे नित्य ध्रुव को। पीछे तो मरने वाला, सामने फिर देखोगे जो नहीं मरने वाला। जरूर देखोगे वो सूर्य को, देखोगे जो अस्त जिसका होता ही नहीं। सारा जगत यह मानता सूर्यास्त होता शाम को, सूर्यास्त कभी होता नहीं, दिखता नहीं है शाम को। सूर्यास्त कभी होता ही नहीं, तुम्हें नहीं दिखता, मगर वो तो है। तुम सूर्य को देखोगे, असली में सूर्य को देखोगे। अभी तो सिर्फ तुम सूरज की धूप, उसकी किरणों की ही मजा ले रहे हो, सूरज को तो देखते ही नहीं। अभी तो पर्याय के विकल्पों में ही मस्त हो। एक बार पीछे मोड़कर मृत्यु को देखो, फिर सूरज के दर्शन होंगे तुम्हें, उस स्वरूप के दर्शन होंगे तुम्हें, होंगे, अवश्य होंगे। मृत्यु का बोध प्रति समय रहे। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर के वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब बताओ क्या करूं, क्या हुआ, तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाकी, मौत आने वाली। उसने क्या किया कि 3 महीने बाकी है, जितनी भी संपत्ति थी बेच डाली और जो भी रुपये आए उन रुपयों से विदेश यात्रा पर निकल गया। घूम लो, फिर ये मौका मिले या न मिले, क्या पता कल हो ना हो। घूम लो, घूम लो। घूम लो, निकल गया। मौत की खबर सुनकर 3 महीने के बाद में मृत्यु है डॉक्टर ने कह दिया, फिर भी घूमने निकल। एक दूसरा आदमी, उसी का मित्र, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाकी है, उसने सबसे पहला काम किया, अपनी पत्नी थी उसको तलाक दे दिया। जो बहुत सालों का सपना था आज पूरा कर लिया और नई नई स्त्रियों के पीछे ये भोग लो, क्या पता कल हो ना हो। भोग लो, 3 महीने के बाद तो मौत है। उसका ही मित्र तीसरा, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाकी है, उसने तो जितना भी धन थोड़ा बहुत अपने पास था शराब खरीद कर शराब पीने लगा, शराब में ही मस्त, नशे में ही मदमस्त पड़ा रहता। एक चौथा मित्र था, डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाकी। उसको पूछा कि तेरा क्या विचार है? मारवाड़ी था, उसने कहा क्या विचार? इस डॉक्टर ने कहा 3 महीने, ठीक है, अभी भी समय है, मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा, दूसरे डॉक्टर को बताऊंगा, ये तो इसका डिसीजन है। मगर 4 में से ये खबर सुनकर कि मौत 3 महीने के बाद है, वो बोध नहीं हुआ कि अब लौट जाए वापिस। ये हमारी हालत है। मौत के बारे में जानते हुए भी अनजाने होते हैं। इसके लिए मरने के लक्ष्य से जीना, जीने के लक्ष्य से मरना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जीने की भी इच्छा नहीं है और मरने की भी इच्छा नहीं। शरीर के साथ सभी क्रियाओं को करते समय अंतर में व श्रद्धान में इतना अलिप्त, अवकाश ही नहीं इन विकल्पों में उलझने के लिए। अगला भव कौन सा होगा, अगले भव में कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, नहीं। मृत्यु के क्षण में आदमी भयभीत होता है, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, कहां जन्म होगा, इहलोक का भय, परलोक का भय, ज्ञानी को जागृति अनंत काल तक जीवन है, मैं मरता ही नहीं। जीने के लक्ष्य से देह से विदा होते, जीने के लक्ष्य से मरना होता। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम ऐसी अंतर की स्वरूप की स्थिरता में मस्त रहना है ज्ञान दीपक। सहज इतनी विराट दृष्टि और सहज किसी भी ज्ञेय के जानने में आने के कारण व्यक्ति की कोई पकड़ न हो, वस्तु की कोई पकड़ न हो, स्वरूप पर ही जोर। मृत्यु की घड़ी, कहां मृत्यु हुई? बीच बाजार में। कोई बात नहीं, कोई बात, तुम जहां रहो, क्योंकि वो तुम्हारे वश में नहीं। आयुष्य का उदय कहां पूरा हो ये तुम्हारे वश में नहीं। बस जागृति ही तुम्हारे हाथ में कि जहां भी तुम्हारा देह छूटे। तुम ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, देह छूटा, विमान में हो, ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, विमान गिर गया समुद्र में, तुम क्या करोगे? तुमने तो प्लानिंग किया था अस्पताल में मरते समय तब तो विचार करूंगा, मगर मौत तो अचानक आ गई। इसके लिए प्रति समय जागरूक जो रहता है, जो हर पल मृत्यु को नजर के सामने रखकर जीता है, और जीता है ऐसे कि मरने वाला वो मैं नहीं। मृत्यु तो आएगी, ये हर समय जो जागृत है, मगर मरने वाला मैं नहीं, ये भी जिसे जागृति है, बस वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। वो भयभीत नहीं होता क्या होगा क्या होगा। जैसा भी हो तुम्हारा सहज जीवन, अगले भव में कहां पैदा हो, न जीने की वांछा, न मरने की कोई तमन्ना, और जागृति पूरी तरह से। ये तो तुम्हारा है कि ना, अभी तुम्हें ऐसा लगता है जिए जीविए, मरिए तो मरिए, जीना हो तो जिएंगे, मरना हो तो मरेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आप सबको कहूं कि मौत आएगी तो हाँ ठीक है, जिएंगे मरेंगे, मगर वो जागृति कि मैं तो नहीं उसमें, वो मैं का बोध बना रहे, मैं वो स्वरूप का जोर ऐसा, वह मैं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ, वो स्वरूप चैतन्य स्वरूप मैं नहीं। द्वेष नहीं इस देह के प्रति, आत्महत्या नहीं करता। सिगमंड ने जैसे कहा, जीने की इच्छा लिबिडो इरोस, मरने की इच्छा, मर जाओ, कब मरूं, आत्महत्या करने का भाव थानाटोस। दो में से कुछ भी नहीं, न लिबिडो न थानाटोस, दोनों से पार। और वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। अगले भव में कहां जाएगा, कहां जाएगा, उसके हाथ में। आत्महत्या कर ली, मर जाओ, आत्महत्या कर ली किसी ने, बस गया वो नरक में। आत्महत्या करने वाला नरक में जाता नहीं। कितनी कितनी मिथ्या भ्रांति, आत्महत्या की कि नरक में गया। आयुष्य का बंद आत्महत्या करने से पहले ही हो गया। 81 बरस का आयुष्य और 54 बरस में आयुष्य का बंद हुआ, 2/3 पार्ट, और 27 साल बाकी बचे, तभी आयुष्य का बंद हुआ। और अंत में उससे आत्महत्या करने का भाव आया। आयुष्य का बंद हुआ, देव आयु का बंद हुआ 54वें वर्ष में, परिणाम पलट गए, आत्महत्या की, वो देवगति में जाएगा। वो देवगति में जाएगा, भले आत्महत्या की। ये कुछ मिथ्या भ्रांति है। आत्महत्या करने वाला अगले 7 जन्मों तक आत्महत्या ही करता है। बात झूठी है। आत्महत्या इस भोग में की, आत्महत्या करके कोई नरक में पैदा हुआ। अब नरक में पैदा हुआ, नरक में आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है। 7 भोग तक आत्महत्या कैसे करेगा? यदि आत्महत्या करने की फैसिलिटी होती तो 10,000 बरस वहां कौन जीना चाहता है? सब मरना ही चाहते हैं। नरक में तो ये नियम है। बाकी की 3 गति में अलग, ये जीना, जन्म से लेकर जीना, और नरक में तो पैदा हुआ कि मरू मरू मरू, मगर कोई सुविधा नहीं। आत्महत्या इस भव में की। ये इससे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि आत्महत्या इस भव में करके नरक में गया। अब वो 7 भव को जोड़ो मत कि वो भटकेगा 7 भव आत्महत्या करके। अभी भी उसके लिए संभावना है कि नरक में भी सम्यक दर्शन पा सकता है। वो भूतकाल हो गया, आत्महत्या कर दी, उसके कारण तुम्हारा 7-7 भव नहीं बिगड़ेगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुमने जितने भी अपराध तुमने पहले किए, यहां आने से पहले तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। वो गया काल, बात खत्म हो गई। आज तुम जागे कि तुम्हारा काम हो गया, बस बात खत्म हो गई। तुम्हें भटकना न होगा। ये तो मार्ग ऐसा है। तुम सिद्ध हो, सिद्ध पुरुष हो, तुम जागृत हो कि बस कोई भटकना नहीं हुआ, कोई भटकना नहीं हुआ। थोड़ा सिद्धांत, थोड़ा सत्य तुम समझो तो तुम इतने आनंदित हो जाओगे। मगर उसमें भी तुम संतुष्ट मत होना, उससे तो तुम्हारा मार्ग सरल हो। अंतर यात्रा का तुम्हारा उल्लास, तुम आनंदित हो, तुम्हें पकड़ न रहे वस्तुओं की, व्यक्ति की, काल की, क्षेत्र, ये किसी भी जगह तुम अटको नहीं। मुंबई, उमराला, अमेरिका नहीं। मुंबई में धर्म कम होता है, उमराला में ज्यादा होता है, अमेरिका में तो होता ही, किसी को और ज्यादा होता है क्योंकि वहां कोई झंझट नहीं, मगर वहां कम होता है क्योंकि घर का सब काम खुद को करना पड़ता है, समय ही नहीं मिलता। सबकी अलग अलग स्थिति। मगर जिसका धर्म किसी संयोगों के कारण, वो धर्मी नहीं। धर्मी का अर्थ वो किसी भी लोक के प्रदेश पर कहीं पर भी हो, अंतर की मस्ती उसकी छूटती नहीं है। बस वो धर्म इतना सस्ता नहीं, धर्म इतना कमजोर नहीं कि आया और गया, ऐसा नहीं। धर्म तो अपूर्व है। मैं अभी यहां और थोड़ा यहां गया कि मेरा धर्म गया, नहीं। अंतर की जागृति जो यहां है वो यहां रही, वो मुंबई में रही। तुम जहां रहो वहां जागृत रहना। मुझे यहां भीड़ इकट्ठी करके तुमसे सेवा नहीं करवानी। तुम जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, तुम जहां रहो जागृत रहना। बस इतना ही मेरा कहना है। बस बात खत्म हो गई। ये मेला समाप्त होने जा रहा है। अब तो नाव से उतरने का समय आया, सामान भी ले लिया है। अब तो बस तुम्हें पकड़ न हो यहाँ पर किसी भी तरह की जगह की पकड़ न हो, वस्तु की पकड़ न हो, वस्तु की पकड़ न हो, शब्दों की पकड़ न हो। मेरे शब्द, वो शब्दों की पकड़ न हो। किसी और से भी सुन लेना, जहां चैतन्य की पुकार हो कहीं से भी सुन लेना। तुम, मैं न चाहूंगा कि तुम यहां बंधो, तुम बंधन में फंसो। मैं न चाहूंगा, क्योंकि मैंने मुक्ति को जाना। मैं क्यों चाहूंगा कि दूसरा बंधे? तुम मुक्त अनुभव करना। मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट होने के लिए कहता हूं कि जहां कोई बंधन न हो, जहां कोई भी वस्तु, ये कसाई मांस को काटता है, अरे ये नहीं, आंखों के सामने दिखाई दिया तो मैं करना होगा। उसमें भी भेद ज्ञान, द्वेष तो बिल्कुल भी नहीं। नफरत न करोगे तुम, वरना तुम्हारा धर्म इतना हल्का हो जाएगा कि एक दृश्य नजर के सामने आया कि तुम गिरे, वो तो जब गिरेगा तब गिरेगा, तुम तो गिर गए। धर्म ऐसा न हो। मैं तुम्हें उस स्थिति में देखना चाहता हूं कि जहां तुम समय सार के आदी न हो जाओ। तुम्हें कोई भी शब्द सुनाई दे, और उन शब्दों के सुनने के काल में भी तुम भाव अपने ग्रहण करो। शब्द तुम्हें कोई भी सुनाई दे, रास्ते पर किसी ने इतनी माँ बहन की खराब गाली दी मगर उसमें भी तुमने कुछ ऐसा ही अर्थ निकाल दिया। गाली दी मगर फिर तुमने विचार किया ये गाली गाली है, ये तो सत्य है, जो उसने बोला ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, ये वस्तु स्वरूप है। जो भी उसने बोला तुम्हें झटका न लगेगा। मैं तुम्हें शब्दों के आदी न बनाना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे बनो, शब्दों में न अटको, तुम भाव अपने हो। और अपने भावों के रस को तो ही हम पीते हैं, शब्दों को नहीं, अपने भाव। इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा यहाँ जीना, यहाँ मरना, या अरे फिल्म का गाना मैं तुम्हें सुनाऊंगा, मैं डरता नहीं। तुम उसमें से क्या भाव निकालते हो? जीना यहाँ, मरना यहाँ। पूरा गाना तो मुझे भी याद नहीं, मगर मैं तुमसे कहता हूं सुनो और उसमें से भी क्या भाव निकलता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे से जाना का, यही स्वर्ग यही नर्क, ये विकल्प में ही स्वर्ग है, विकल्प में ही नर्क है। मैं तो ऐसा भाव ग्रहण करता हूं, मैं द्वेष नहीं करता हूं, मैं अपनी मस्ती को नहीं छोड़ता हूं। मेरा धर्म ऐसा ना हो कि मेरे कान में कोई शब्द पड़े और मेरा धर्म छूट जाए। ये तो तैयारी है, क्योंकि अब तुम जाने वाले हो, अब तो जाकर के यही तुम सुनने वाले हो। इससे पहले तुम्हें तैयारी करा दूं। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्मा को मेरे देह के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।